आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि पौष के महीने में ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं और कोई आपको देवे खिलाए तो भूलकर भी आपको नहीं लेनी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पौष माह बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह से हर माह का अपना महत्व है, उसी तरह से पौष माह का भी बहुत महत्व है। और इस मास में जितना दान पुण्य किया जाता है, जितना धार्मिक आयोजन किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल भी मिलता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब धार्मिक आयोजन कोई व्यक्ति करता है, तो ऐसे में बहुत से लोग उसमें शामिल होने आते हैं। लेकिन दान पुण्य का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें सहभागिता सबकी बराबर होनी चाहिए। उसमें आपके द्वारा भी कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य होना चाहिए, शारीरिक श्रम होना चाहिए उस काम को करने के लिए, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित हो, डेकोरेशन से संबंधित हो या व्यवस्था संबंधी हो। लेकिन कई लोग चले जाते हैं सिर्फ जीवने के लिए, खाने के लिए, और तब भारी पड़ती है वो चीज़ उन लोगों को जिनके लिए शनि कुपित होता है। मित्रों, इस माह में पौष बड़ों का आयोजन विशेष रूप से राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ मैं पौष बड़ों के खिलाफ नहीं हूँ, पौष बड़ा है बहुत ही अच्छा आयोजन है और बहुत ही, जिसको बोलते हैं, लोगों से मेल मिलाप, भाई बंधु, भाईचारा, इस तरह की भावना को भी विकसित करता है। प्लस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो तेल बर्न होता है, गर्म गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, उसका एक अलग ही स्वाद भी होता है और उसका जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा महत्व होता है। लेकिन मित्रों, कुछ लोगों के जो ग्रह होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। उनके जो शनि, मंगल, राहु उनको बहुत पीड़ा दे रहे होते हैं। ऐसे में यदि वो कुछ खास बातों को अपनाकर ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होते हैं तो कोई बुराई नहीं है। इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेना, और ये आपका भलाई करने की नीयत से ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसमें किसी का अनादर करना या किसी को अपमानित करना या किसी पर शक करना मेरी जो इंटेंशन है बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप शक ना करें किसी पर भी। कोई भी आपको धार्मिक आयोजन में बुलाता है, आप अवश्य सम्मिलित होएं। लेकिन मैंने दो बातें आपको बता दी, उसमें आर्थिक सहयोग जरूर देना चाहिए आपको। फ्री में कुछ भी कहीं खाकर नहीं आना चाहिए, वो दान भारी पड़ता है ऐसे लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, जिनका शनि, राहु और मंगल पीड़ित होता है और उनके जीवन में तरह तरह के जो रोग, रिपु, ये सब सम्मिलित होते जाते हैं धीरे धीरे। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या किया था, कहाँ खाया था, क्या हुआ था। स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर केस में ये जो आयोजन है शनिवार को किया जाता है, शनिवार को तेल जलाना अच्छा होता है, और शनिवार को तेल जलाकर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दाल के पकौड़ियों का, मिष्ठानों का, तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य कमाने वाले पुण्य कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और हर किसी को अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार ये काम जरूर करना चाहिए। लेकिन जिनके ग्रह भारी हैं, जिनका शनि, राहु, केतु, मंगल ये सब कुपित हैं उन पर, उनको जब भी वो किसी पौष बड़ों के आयोजन में जाएं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पर सिर्फ आपको खाकर नहीं आना है, वहाँ पर आपको भगवान के मंदिर के निमित्त कुछ दान दक्षिणा जरूर चढ़ा के आनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई मंदिर से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही आयोजन करा रहा है, तो गिफ्ट के रूप में उसको वो चीज़, कुछ भी चीज़ जरूर देकर आइए। ये बात इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि पिछले दिनों एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से बीमार थे, उन्होंने इनवाइट किया कुछ लोगों को, और वो दिन था शनिवार का, क्योंकि उनका शनि बहुत भारी था और उनको अपना उतारा करना था। किसी सोर्सेस से पता चला कि उस दिन उनका जन्मदिन भी था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जन्मदिन होता तो गिफ्ट आता उनके पास में और वो सारा उतारा करना चाहते थे, अपना अपनी जो पीड़ा थे उसको उतारना चाहते थे। तो ऐसे में जो लोग उनके उन पर गए, वो पीड़ा, ऐसा बोली जाती है कि वो पीड़ा उतर कर उन पर चढ़ती है, लेकिन तब नहीं चढ़ती जब आप उसका मूल्य चुका देते हैं। तो मैं यहाँ आपको यही कह रही हूँ कि कौन आदमी किस नियत से आपको बुला रहा है, इसकी जांच जरूरी है, लेकिन सब पर शक ना करें। मैक्सिमम केस में निस्वार्थ भाव से ये आयोजन होते हैं, ये सिर्फ 1% ही ऐसा होता है जबकि कुछ गलत नियत से कोई इस तरह के धार्मिक आयोजनों को करे या लोगों को पौष बड़ों के बहाने या जीमने के बहाने शनिवार के दिन अपने घर पर बुलाए। लेकिन आपको, क्योंकि सावधान रहना का सलाह देना मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ और मैं आपको हमेशा यही सलाह देती हूँ जिससे आप पर कोई कष्ट, विपदा ना आ पाए, उसी निमित्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे आयोजन में जाएं तो कुछ धनराशि जरूर देकर आएं, कुछ गिफ्ट जरूर देकर आएं, जिससे कि जो आपने खाया है उसका मूल्य चुकता हो गया। कई कई तो आयोजन बहुत सभ्य तरीके से भी होते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, उनमें आपको निश्चित रूप से सम्मिलित होना चाहिए। मंदिरों में भंडारे वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ अनाज, धनराशि, शारीरिक श्रम जरूर आपको देना चाहिए। इसके अलावा कई जगह तो बाकायदा टिकट वगैरह बनाए जाते हैं, कूपन बनाए जाते हैं, और वो कूपन लेकर आप इस तरह के आयोजन में जाते हैं तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कूपन देकर आपने मूल्य चुका दिया उसका। लेकिन जब आप किसी अन्य जगह जाते हो जहाँ आपसे ना मूल्य लिया जाता है, सिर्फ खाने को ही बुलाया जाता है, तो वहाँ जरूर इसकी जाँच कर लीजिएगा कि कोई अपना उतारा तो नहीं कर रहा है आपके ऊपर। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो हर तरह की दिक्कत से आप बचे रहेंगे।